subscribe and never forget to click on the bell icon to get notification of the latest video. Friends, आज हम classification of money के बारे में discuss करेंगे. Classification of money को क्या होती है, वो कितने types में divide है. लेकिन before discussing the classification of money, we will discuss about what is money. Money क्या होती है? इसे भी हम charts के through समझेंगे. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस चार्ट में मैंने दो तरह से मनी को डिफाइन किया है. चलिए स्टार्ट करते हैं. मनी जो है, फर्स्ट कुछ लोगों का मानना है कि मनी लैटिन शब्द मोनेटा से लिया गया है. रोम में एक देवी थी, देवी जूनो का मंदिर था, वहां पर मनी क्रिएशन का काम होता था और उन देवी को मोनेटा बोला जाता था, तो उसी शब्द से मनी आया हमारा. अब कुछ विद्वान जो हैं वो मनी को लैटिन शब्द पिक्यूना से ही बताते हैं. पिक्यूना पिक्यस शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है पशु संपत्ति. तो हम कह सकते हैं कि मनी शब्द लैटिन शब्द मोनेटा और लैटिन शब्द पिक्यूना से लिया गया है. अब ये हम ये नहीं बता सकते कि मेन किससे लिया गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों के अलग अलग व्यूज हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि मेन जो हमारा मनी है वो मोनेटा और पिक्यूनी से लिया गया है. फ्रेंड्स, आप लोग याद कर रखिएगा, जब भी आप मनी शब्द को डिफाइन करें तो चार्ट जरूर बनाइएगा. बहुत अच्छा लगेगा दिखने में और बहुत मार्क्स गेनिंग भी होता है. तो कोशिश करिए आप जब भी किसी भी तरह का आंसर करें तो ज्यादा से ज्यादा चार्ट फॉर्म में और अपने आंसर को लिखें. चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम कि क्लासिफिकेशन क्या होता है. क्लासिफिकेशन ऑफ मनी को अब हम डिफाइन करेंगे चार्ट के थ्रू. जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, मैंने चार्ट के थ्रू क्लासिफिकेशन ऑफ मनी को एक्सप्लेन किया है. ये फाइव टाइप्स में डिवाइड होता है. जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, मैंने इसे एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मनी फॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. मनी को हम मेनली फाइव टाइप्स में डिवाइड करते हैं. अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर पे. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में एक्चुअल मनी आती है, मनी ऑफ अमाउंट आता है. एक्चुअल मनी वो मनी होती है जो रियल में उस कंट्री में एग्जिस्ट होती है, जिसमें सारे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उस मनी में किए जाते हैं. प्रोफेसर केन्स ने इसको डिवाइड किया है टू पार्ट में, एक्चुअल मनी और मनी ऑफ अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जो रुपी है और इंग्लैंड में पाउंड, फ्रांस में फ्रैंक, ये एक्चुअल मनी का पार्ट है. अब हम अमाउंट ऑफ मनी की बात करें तो जब किसी देश में हम अगर किसी भी लोन को लेते हैं या फिर ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो अमाउंट ऑफ मनी कहलाती है हमारी. अमाउंट ऑफ मनी को बेनहम यूनिट ऑफ अकाउंट और सेलिंगमैन ने आइडियल मनी बोला है. अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी. ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी में लीगल टेंडर मनी आता है और ऑप्शन मनी आता है. लीगल टेंडर मनी जो होती है हमारी फर्दर डिवाइड होती है टू पार्ट्स में, लिमिटेड लीगल टेंडर एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर. जो हमारी लिमिटेड लीगल टेंडर मनी जो होती है वो जो सरकार होती है वो डिसाइड करती है उस देश की, और इस मनी को स्वीकार करने के लिए हम किसी को भी मतलब फोर्स नहीं कर सकते. इसमें अगर उसका सामने वाले का मन है पेमेंट लेने का उस मनी में, तभी वो ले सकता है. जबकि अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी में हम उसको फोर्स कर सकते हैं. जैसे कि भारत में एक रुपए में अगर आप किसी भी व्यक्ति को या सिक्के में या जो भी वहाँ पर जो हमारे यहाँ नोट चलते हैं इंडिया में, अगर आप उसमें किसी को पेमेंट देते हैं तो वो लीगली बाउंड होगा उसमें पेमेंट लेने के लिए. वो मना नहीं कर सकता अगर आप किसी भी तरह का उसमें पेमेंट देते हैं तो. तो ये होती है हमारी अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी. फ्रेंड्स, आपको समझ आ रहा है? अगर आप भी इन मनी के बारे में तो कुछ भी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए. इससे मुझे भी हेल्प मिलेगा क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी नॉलेज मिलेगी आपसे कि और इसको किस किस तरह से बोला जाता है.
हम बात करते हैं अदर मनी की, ये फर्दर डिवाइड है पार्ट ऑफ मनी, मेटलिक मनी और पेपर मनी में। मेटलिक मनी जो होती है हमारी, वो फर्दर डिवाइड होती है हमारी टू पार्ट्स में, स्टैंडर्ड मनी एंड टोकन मनी। बार्टर मनी, जैसे कि आप लोग जानते हैं पिछले टाइम में कोई मनी नहीं होती थी, पुराने जमाने में लोग एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को एक्सचेंज किया करते थे, तो यही हमारी बार्टर मनी कहलाती थी। मेटलिक मनी स्टैंडर्ड मनी और टोकन मनी में डिवाइड है। स्टैंडर्ड मनी को हम मेन मनी भी बोलते हैं। इसकी जो जो प्रिंटिंग होती है वो प्रिंटिंग मेनली गोल्ड या सिल्वर को रख के की जाती है। इसमें जो भी प्रिंटिंग होती है, जो मेनली प्रिंटिंग जो होती है, इसकी बंद हो चुकी है आज के टाइम में। हम बात करते हैं टोकन मनी की। टोकन मनी को हम सिंबॉलिक मनी भी बोलते हैं। इसमें जो हमारी मेटल की, ये हमारी मेटल की बनी होती है, और इस मनी के अंदर जिस भी रुपए का वो अमाउंट होता, जो भी मेटल होती है हमारी, वो इस पे सिंबल की जाती है। और जो इसकी प्रिंटिंग होती है वो फ्री नहीं होती है। इट मीन्स इसमें अगर इसकी प्रिंटिंग करवानी होती थी उस टाइम में, तो गवर्नमेंट से इसके लिए परमिशन लिया जाता था। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट में। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट में हमारी आती हैं दो तरह की मनी, चीप मनी और डियर मनी। चीप मनी हमारी वो मनी होती है जो कि हम इजीली लोन ले सकते हैं, जिसमें बहुत कम हमारी इंटरेस्ट दी जाती है। इसमें इंटरेस्ट बहुत कम होती है, इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में। बैंक भी अपने दिए हुए, अगर हम बैंक से लेते हैं किसी भी तरह का लोन, तो बैंक इस पर बहुत कम इंटरेस्ट चार्ज करती है। हम बात करते हैं डियर मनी की। डियर मनी वो मनी होती है जिसमें इंटरेस्ट रेट जो होती है बहुत हाई होती है। अगर मार्केट में हम लोन लेते हैं तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करनी पड़ती है, इसलिए इसे डियर मनी भी बोला जाता है। ये मेनली उस टाइम होती है। इसका मेन पर्पस होता है कि इन्फ्लेशन को रोकना। इन्फ्लेशन रोकने के लिए इस तरह की मनी पे इनकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो हाई कर दी जाती है। हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में टू तरह की होती है हमारी करेंसी। फर्स्ट होती है हमारी सॉफ्ट करेंसी, सेकंड होती है हार्ड करेंसी। सॉफ्ट करेंसी हमारी वो करेंसी होती है जिसको अगर हम डिमांड करते हैं तो हमें इजीली मिल जाती है, और लार्ज अमाउंट में मिल जाती है हमें, मतलब इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में। जबकि हार्ड करेंसी वो करेंसी होती है जिसकी डिमांड अगर हमें चाहिए होती है तो वो इजीली नहीं मिल पाती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सॉफ्ट करेंसी इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में, जबकि हार्ड करेंसी होती है इजीली अवेलेबल नहीं होती है मार्केट में, इसलिए इसे हार्ड करेंसी बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल, हार्ड करेंसी हम रख सकते हैं डॉलर में। अगर हम जैसे कि अगर हम डॉलर चाहिए हमें, तो बहुत मुश्किल से हमें डॉलर मिलेगी, जबकि हमें सॉफ्ट करेंसी अदर जैसे कि इंडियन रुपीज है, वो हमें इजीली मिल जाती है। तो इंडियन रुपीज का एग्जाम्पल हम सॉफ्ट करेंसी में रखते हैं और हार्ड करेंसी में हम डॉलर का एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, ये तो था फुल एक्सप्लेनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ मनी का। मैंने इस बार सोचा था कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन चार्ट के थ्रू समझाऊंगी, जिससे कि आप इजीली समझ सकें, और ये अच्छा भी लगता है बहुत देखने में। और अगर आप अपने एग्जाम में इसी तरह से समझा कर लिखवाएं, लिखें अपनी आंसर कॉपी में, तो बहुत अच्छा रहेगा, अट्रैक्टिव लगेगा ये बहुत ज़्यादा। आपका टीचर आपको फुल मार्क्स देगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो आपको चार्ट के थ्रू समझाया, आपको कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको पसंद आया मेरा वीडियो, तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो, अगर आप किसी अदर टॉपिक पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप उसे भी लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की। फ्रेंड्स, आज तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। आप लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।